हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का गणेश स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे तो देखिए दोस्तों सी कांस्टेबल ट्रेड्समैन परीक्षा 2023 हज़ार बंपर वैकेंसी है देखिए दोस्तों फॉर्म फिलअप आपके ऑलरेडी स्टार्ट हैं और परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई परीक्षा आपके एक से तेरह जुलाई तक चलेगी तो एक से तेरह जुलाई वाला सी ट्रेड्समैन परीक्षा वाला पेपर लेके आ चुका हूँ जहाँ पर हम जी के के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को देखेंगे यही पेपर में छपेगा जल्दी से देख लो इस वीडियो को और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे रट डालो उन प्रश्नों को अगर आपको सी आर ट्रेड्समैन

अबुल हसन यामुनिदीन खुसरो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा इस क्वेश्चन का ठीक है और इन्हें अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता था अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें बता सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जी के अंतर्गत नहीं आती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कवर अंडर GST? देखिए दोस्तों इनमें से जो पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी है पेट्रोल और जो बिजली है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती ठीक है, है अन्य जो है वो जीएसटी के अंतर्गत क्या है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तृतीय बोध परिषद का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था ड्यूरिंग वूज रीज़न द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज देखिए दोस्तों जो तृतीय बोध परिषद हुई थी उसका जो आयोजन हुआ था ये अशोक के कार कार्यकाल के दौरान हुआ था तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फोर अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया है द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज बोरोड फ्रॉम तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो विचार है ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है ऑप्शन नंबर फोर विल बी द राइट आंसर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उनकी विचारधाराओं विचारधाराओं के कारण फ्रंटियर गांधी सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था वो वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी सरहदी गांधी डू टू हिज़ आइडियोलॉजीज तो ये जाना जाता था खान अब्दुल गफ़ार खान को ठीक है इन्हें फ्रंटियर गांधी या फिर सरहदी गांधी के नाम से पुकारा जाता था अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर बारह मास नदी है तो कौन सी है इनमें से तो ये है आपके कृष्णा नदी कृष्णा नदी क्या है एक गैर बारा मासी नदी देखिए दोस्तों तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा वीडियो में टारगेट रखेंगे पूरे पांच प्लस लाइक्स कंप्लीट करने का और पांच दोस्तों के बीच आप इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को एंड तक रटते हुए चलिएगा तभी आपको इस वीडियो से सीआरपीएफ ट्रेड्समैन परीक्षा 2023 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है द रिवर ब्रह्मपुत्र इन अरुणाचल प्रदेश इज नोन बाय द नेम तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग रिवर के नाम से जाना जाता है अगले क्वेश्चन में पूछा जा, जा रहा है जाट जटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक, लोक नृत्य जाट जटिन इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोल्क डांस फ्रॉम विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेट तो ये रिलेटेड आपके बिहार से थर्ड नंबर ऑप्शन विल द राइट आंसर अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से नामित किया गया ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड गोल्ड कॉइन्स वे आर कोल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दिनार नाम दिया गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर रहेगा इस क्वेश्चन का अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब स्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी वो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूसिस तो स्थाई बंदोबस्त के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो चार्ल्स कानवालिस थे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर रहेगा इस क्वेश्चन का अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पूना समझौता पर हस्ताक्षर करता कौन थे देखिए दोस्तों जो पूना समझौता हुआ था ये गांधी और अम्बेडकर के मध्य में हुआ था सेकंड नंबर ऑप्शन विल द राइट आंसर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के संविधान के डैश के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वित्तीय जो आपातकाल है वो अनुच्छेद 360 के तहत क्या है घोषित किया जा सकता है अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहे हैं पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को डैश द्वारा हराया गया था द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट इन विच पंद्रह सौ छब्बीस इन दिस बैटल इब्राहिम लोधी वाज डिफेटिट बाय तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में जो इब्राहिम लोदी है वो बाबर से हारा था ठीक है दोस्तों तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा देख दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और फटाफट से इस वीडियो को सभी दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी वो वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ यू जनरल असेंबली तो कौन थी तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर रहेगा इस क्वेश्चन का अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मौर्य किस राजवंश के बाद आए देखिए दोस्तों जो मौर्य थे ये नंद राजवंश के बाद आए थे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने मई अट्ठारह में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल द वाइफ ऑफ द नवाब ऑफ डैश लेट द प्राइजिंग एट लखनऊ इन मे अट्ठारह तो देखिए दोस्तों जो अवध के नवाब की पत्नी थी बेगम हज़रत महल उन्होंने अठारह में लखनऊ में क्या है विद्रोह का नेतृत्व किया था अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है डैश इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया टर्म्स ऑफ एरिया के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपके लद्दाख अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कृष्णदेव राय डैश वंश के थे कृष्णदेव राय बिलोंग्स टू द डैश डायनेस्टी बात करते हैं कृष्णदेव राय के बारे में तो ये तुलु वंश से संबंधित है राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा इस क्वेश्चन का अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहे हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वेयर इज दुधवा दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहे हैं साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला से आरंभ होती है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज ड साबरमती रिवर ओरिजिनेट तो साबरमती जो नदी है ये अरावली पर्वतमाला से क्या है आरंभ होती है अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल उन्नीस को हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो डब्ल्यू है उसका मुख्यालय डैश में स्थित है देखिए दोस्तों जो वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यू एच ओ है इसकी स्थापना हुई थी सात अप्रैल नाइनटीन फोर्टी एट को और डब्ल्यू एच ओ का जो मुख्यालय है वो आपके जिनेवा में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्कंदगुप्त द्वारा किस प्रकार का सोने का सिक्का जारी नहीं किया गया विच टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन इज नॉट इशूड बाय स्कंदगुप्त तो स्कंदगुप्त के द्वारा बैल प्रकार के यानी कि जो बुल टाइप के सोने के सिक्के वो जारी नहीं किए गए थे तिरंदाज प्रकार घुड़सवार प्रकार राजा और रानी प्रकार के सिक्के क्या हैं? स्कंदगुप्त के द्वारा जारी किए गए थे अगली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है म्यांमार देश की राजधानी क्या है वेयर इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार कंट्री बात करते हैं म्यांमार की तो म्यांमार की जो राजधानी है वो नेपिड्यो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा इस क्वेश्चन का बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी वो वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया तो भारत के किसी भी राज्य की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है द पेंटिंग्स ऑफ अजंता बिलोंग्स टू विच रिलीजन अजंता के जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से क्या है संबंधित है थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन कर सकता है वो कैन रिमूव द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कौन कर सकता है तो यह कर सकता है पार्लियामेंट यानी कि संसद ऑप्शन नंबर फोर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा अगली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है तो देखिए दोस्तों जो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है ये ए बी ब्लड ग्रुप को माना जाता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन तो राइट टू एजुकेशन से अनुच्छेद इक्कीस ए क्या है संबंधित है अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है? Which of the following is under the state list? तो लिस्ट के अंदर एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र क्या है आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गार्डगिल योजना भी कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान इज ऑल्सो कोल्ड गार्डगिल योजना तो गार्डगिल योजना कहा जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना को राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा इस क्वेश्चन का देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया आपने वीडियो को आते धन्यवाद पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा